कर्ज देकर और कर्ज के बोझ तले दबकर न जाने कितने ही लोग अब तक मौत को गले लगा चुके हैं। पानीपत के गांव पट्टी कल्याण में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहां एक आढ़ती पैसों के लेन देन को लेकर इतना परेशान हो गया कि उसे आत्महत्या करना ज्यादा आसान लगा, उसे मौत को गले लगाना ज्यादा मुनासिब लगा। आढ़ती ने देनदारों से तंग आकर सल्फास की गोली खाकर सुसाइड कर लिया। अपना जमीन बेचकर और कुछ पैसों से सारे पैसे आढ़त के काम में इन्वेस्टमेंट करके लोगों को दिए हैं। जो भी जमींदार इनको फसल गिरते थे उनको इन्होंने पैसे दिए हैं, तो जमींदार उसे के साथ कुछ समय तक तो लेना देना इनका ठीक रहा। जमींदार लेते रहे देते रहे, तो बाद में जमींदारों ने ना तो इसको फसल गिरी और ना ही इनको पैसे दिए। तो इतने परेशान होकर पैसे मांगने जाते थे तो जमींदारों इसको धमकाते थे। इतना डिप्रेशन में भाई को दे दिया था कि इन्होंने अपनी जान गंवानी पड़ी और आत्महत्या करनी पड़ी। कब किया? ये कल 1 बजे के लगभग। आरती विनोद ने मरने से पहले व्हाट्सएप स्टेटस लगाया जिसमें उसने बताया कि वो जहर खा चुका है और अब उसे मौत का इंतजार है। वहीं जैसे ही इस स्टेटस पर परिवार वालों की नजर पड़ी तो वो दौड़ते हुए विनोद की दुकान पर पहुंचे, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। विनोद दुकान में ही दम तोड़ चुका था। पापा बहुत परेशान हो गए थे, उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया था गोटी ने, मनोज गुज्जर नाम उसका पट्टी कल्याणा से, और एक बार उनके घर पे गए थे पैसे लेने, वहाँ पे उनके साथ मार पिटाई की। और अभी 15-20 दिनों से पापा परेशान थे बहुत, आज भी कल भी परसों गोली खाने से पहले भी सुबह बहुत परेशान थे, आंसू आ रहे थे आँखों में, और फिर दुकान पे जाके गोली खा ली और स्टेटस पर लगा दिया था। फिर उन्होंने पैसे नहीं दिए बहुत लोगों ने, वहाँ जैसे अड़ती का काम था तो लोगों को पैसे दे रखे थे, 80 लाख 90 लाख का था लेन देन, वो सारे पैसे नहीं आए। ये मूल है, ब्याज तो इसमें था भी नहीं, सिर्फ मूल है ये। और बस सबको कहते थे कोई नहीं देता, मांगने जाते थे सब लड़ाई करते, बच्चे को उठाने की वो कहते थे हमने उठा लेंगे बच्चों को। मृतक आरती विनोद के बेटे शिवम ने बताया कि उसके पिता समालखा में आढ़त की दुकान चलाते थे। अपनी जमीन बेचकर उन्होंने कई किसानों को पैसे उधार में दे रखे थे। किसानों ने पैसे उधार लेने के पास उनकी दुकान पर फसल भी डालना बंद कर दिया था, जिससे वो लगातार परेशान चल रहे थे। जब किसानों से पैसे मांगने के लिए उनके घर पर जाते थे तो किसान उनसे मारपीट किया करते थे। उन्होंने करीब 90 लाख रुपए किसानों को उधार दे रखे थे। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है सुनिए। ये पट्टी कल्याणा के है विनोद जी, जिन्होंने सुसाइड का केस है। उनकी पत्नी श्रीमती सीमा देवी ने कंप्लेंट की है कि उनके पति तकरीब 12-13 व्यक्तियों के उन्होंने बाई नेम दिए हैं कि उन्होंने अलग अलग अमाउंट जो है वो काफ़ी बड़ा अमाउंट है पैसे वो वापस नहीं किए, जिसके चलते वो काफ़ी मानसिक रूप से मतलब उनको वो कर रखा था ना, पैसे वापस कर रहे थे और उनसे प्रताड़ना से तंग आ गए इन्होंने आत्महत्या कर रही। क्या कुछ कर रही थी इन्होंने? उनकी कंप्लेंट पे हमने उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, इस पर पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। साइड नोट भी छोटा सा वो अभी मोबाइल में दिखाया इन्होंने, वो असल कॉपी इनको बोला है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। विनोद ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें लिखा है कि देनदार लोग उनके पैसे नहीं चुका रहे, जिससे वो कई दिनों से परेशान चल रहा है और कई देनदार लोगों के नाम भी सुसाइड नोट पर लिखे हुए हैं। फिलहाल पुलिस परिजनों की शिकायत पर सुसाइड नोट में लिखे हुए नाम के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अब देखने वाली बात ये रहेगी कि विनोद के परिवार को कर्ज दिया हुआ पैसा मिल पाएगा या नहीं। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।